तो हेलो गाइस, कल चल मैं करता हूँ, सब बढ़िया होंगे, ये तो मजे होंगे। पहले तुम्हारा भाई आज का एक और ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो में, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भाई जो अनडाउन गेम की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो बताऊंगा इस वीडियो में, कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो जरूर लगा दूंगा, ठीक है, कमेंट के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आपसे, वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब। अब देखिए भाई, अभी अभी ये गेम आई है, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टिप टिप है आपके लिए, तो अगर आपके देखिए जो पेज है ना ऐसे शो होता है गेम और लॉग इन करने के बाद या लॉग इन करने से पहले आपको ऐसे शो होता है अनाउंसमेंट का। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे 15 जून तक है ना, ये मतलब कि सर्वर ओपन बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चलाना कैसे है गेम को, कई लोगों को कई लोग क्या करते हैं कि यहीं से गेम को काट देते हैं एंड यहीं वो कर समझते हैं कि गेम नहीं चलती भाई भाई, बट यहाँ से गेम चल जाती है। इसको क्रॉस पर कर दीजिए कि ठीक है, जैसे क्रॉस पर करोगे यहाँ पर जो सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिकमेंड कर देता है, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो बेस्ट टू बेस्ट बेस्ट सर्वर दिया जाता है आपको, बस इस पर बस आपको टैप टू स्क्रीन टू स्टार्ट, मतलब कि यहीं कहीं पर भी कर दीजिए स्टेप एंड आपकी जो गेम है वो स्टार्ट हो जाएगी कुछ सेकंड के बाद, ठीक है गाइस। तो ये तो दूसरी टिप है भाई, अगर आपके पास है ना कोई भी गन है, मान लीजिए कोई भी गन है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो ये शॉट गन है, तो यहाँ पर देखिए एंड इसमें 89 MO अभी है और 5 रिलोड के बाद है, ठीक है। तो अगर इसकी जो एमओ ख़त्म हो जाती है, अगर आपकी भी एमओ ख़त्म हो जाती है गन की, तो यहाँ पर देखिए कैसे एमओ लेकर आएंगे। तो मान लीजिए देखिए, जैसे मैं फायर करता हूँ, 5 गोली फायर करता हूँ, देखिए अभी देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रिलोड करूँगा, देखिए रिलोड कर रहा हूँ, 89 थी अब 84 रह गई है, ठीक है। अब एमओ कैसे लेके आएंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्राइविंग मोड के साथ ही आपको ना सबसे नीचे राइट लेफ्ट साइड में ड्राइविंग हैंडल के साथ आपको ना बैंडेज का या एमओ का निशान दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर मेरा 7 लिखा है ना वहाँ पर देखिए, और उससे ऊपर एक एरो का बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको ना बॉक्स दिखाई देंगे, जहाँ पर 71 लिखा है ना, 71 या 88%, तो 71 पर वाले वाले पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर उस पर फिर से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एमओ है वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, देखिए 84 थी अब 90 हो गई है पूरी। तो ऐसे आ गाइस आप एमओ 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 की अपनी पूर्ति कर सकते हो, ठीक है, पूरा फिल कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो इस एमओ की, ठीक है, इन्वेंट्री को। तो ये तो हो गया सेकंड टिप आपके लिए। एंड थर्ड के देखते हैं, जो थर्ड टिप है भाई, अगर आपके पास क्राफ्टिंग करने के लिए ना कोई सामान नहीं मिल रहा, ठीक है, ऐसे आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो आप क्या करना, देखिए राइट साइड में ना आपको सबसे ऊपर मैप का निशान दिखाई दे जाएगा, जैसे देखिए मैं अभी बता दूंगा आपको, देखिए मैप का निशान दिखाई दे गया। अब ऐसे आपको आ जाना है, अब राइट साइड में ही सबसे नीचे देखिए, पहले तो जो आपको गाड़ी का निशान दिखाई दे रहा है, फिर सर्च का, फिर तीसरे नंबर लोकेशन का, फोर्थ नंबर पर ना एक 2 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लीफ वगैरह, तो उस पर आ जाना है। जैसे ही उस पर आओगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लोकेशन पता लग जाएंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या फूड मिलेगा। जैसे देखिए ट्री वाला ऑप्शन है, ठीक है, ट्री वाला ऑप्शन मैंने जैसे ही आपको आइस वाले बटन पर क्लिक किया, ठीक है, एंड यहाँ पर जो जो ट्रीज वगैरह हैं तो वहाँ पर मुझे ट्रीज का मिल जाएंगी, मतलब कि लकड़ियाँ मिल जाएंगी वहाँ से। एंड यहाँ से देखिए और जो स्टोन है, आयरन है, ये दूसरा है, ठीक है, वो यहाँ पर मिल जाएंगे इस वाले लोकेशन पर, जो बॉक्स बने हैं वाइट कलर के, ठीक है, और एक का, एंड यहाँ पर ऐसे सब कुछ आपको दिखे जाएंगे, मीट वगैरह जो मतलब कि फूड वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पर, देखिए वाइल्ड बेरीज़, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सामान मिल जाएगा आपको, क्या क्या मटीरियल लगेगा मटीरियल क्राफ्टिंग करने के लिए, वो सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार देख लेना, मैं अभी आपको मैं एक बता भी देता हूँ, देखिए जैसे आप उसको क्लोज करोगे ना एंड यहाँ पर आओगे तो इस देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले तो आपको मैं जो लकड़ियाँ वगैरह है वो कलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए पेड़ के पास आ गए, अब लेफ्ट साइड में ना आपको देखिए जो फायरिंग का बटन होता है वहाँ पर आपको जो एक्स का मतलब कि जो ए, क्या कहते हैं उसको, कुल्हाड़ी का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए अपने पास लकड़ियाँ आ जाएंगी, देख सकते हो ये लकड़ियाँ आ चुकी हैं 55। तो ऐसे आप जो मटेरियल है वो क्राफ्टिंग के लिए कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट टिप है भाई, अगर आपको गेम में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, ठीक है, दूसरा इसको क्राफ्टिंग करने के बाद, ठीक है, क्राफ्टिंग करने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो मिशन की तरफ देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा मिशन है टैप टू वील्ड बटन इन द मिडल ऑफ स्क्रीन टू प्लेस ए पाइन कैबिनेट ऑन योर होमस्टेड फ्लोर, ठीक है। तो कैबिनेट मैंने बना लिया, पाइन कैबिनेट बना लिया, अब इसको बस लगाने की बारी है, तो लगाना है घर में। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या कह रहा है, ये
मिडल स्क्रीन, मतलब कि मिडल स्क्रीन तो ये रही, ठीक है, और ये दूसरा हो गया बनाने वाला बटन। एंड इंटीरियर में आ जाना है, ठीक है, इंटीरियर मतलब कि आपको पता ही है कि इंटीरियर में जो घर का सामान होगा वो तो इंटीरियर में ही होगा, जो एक्सटीरियर मतलब कि बाहर का सामान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैन कैबिनेट ये रहा, अब इसको लगाते हैं जल्दी से जल्दी, एंड प्लेस करते हैं अपन इसको इधर, ठीक है, बेड से इधर कर देते हैं एंड यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्लेस किया एंड वो जो मिशन है वो क्लियर हो चुका है एंड अगला मिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखिए ब्लू कलर की लाइन जो है वो आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगला मिशन फिर से मेरा शुरू हो गया, यूज़ द पाइन कैबिनेट टू स्टोर एट लीस्ट वन आइटम, ठीक है। तो इसमें मुझे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया कि आपको मिशन कैसे खेलना है, ठीक है। तो अगली टिप है भाई, अगर आपके ना जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए सर्वाइव का बटन है तो उस पर देखिए जो रेड मार्क शो होता है तो उसको कैसे हटाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे सर्वाइव पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए पहले देखना है कि कहाँ पर जो रेड डॉट शो हो रहा है, रेड मार्क शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एमओ, जो जो मेरा एमओ का बटन है, ठीक है, वहाँ पर देखिए रेड मार्क शो हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ से देखिए अगर अगर मुझे आप एमओ ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने मुझे पता है कि मैंने जो क्रेट है उसमें जो अपना क्रेट वगैरह है तो उसमें मैंने रखी थी एमओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे घर में जाऊँगा एंड यहाँ से एमओ वगैरह उठा लूँगा। देखिए ये वाला जो ये है दूसरा क्या कहते हैं ऐसे कैबिनेट, इसमें से मैंने रखी थी एमओ एंड यहाँ पर इस पर क्लिक करके रीट्राई कर लेंगे तो जो एमओ है वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखते देखिए जो सर्वाइव का बटन था उसमें जो रेड मार्क था वो शो यहाँ पर हट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर जो एमओ का जो रेड मार्क है वो हट चुका है। तो ऐसे आप भी अपना जो पूरा की तरह यहाँ पर पूरे कंप्लीटली मतलब कि सही तरह रह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप आई होप गाइस आपको उस वीडियो समझ लग गई होगी कि कैसे कैसे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में आपकी टिप्स एंड ट्रिक वगैरह कमेंट है वो वीडियो में जरूर लगाऊंगा, ठीक है गाइस। तो बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुरू ऐसी वीडियो देखने के लिए, बाय गाइस, टेक केयर।